हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज क्लास में। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। सभी लोगों को आज की शाम की शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज क्लास, और आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन एवं अवशोषण के अगले विषय पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके मुख के लार से क्या क्या रहता है, उसमें क्या काम है उसका। मैं आपको बताऊंगा पेट में गैस क्यों बनती है, पेट में एसिडिटी क्यों बनती है। ये दो तीन सवाल आज आप लोगों को बहुत बेहतरीन बताने वाले हैं। सो सभी विद्यार्थी अपने सभी इष्ट मित्रों को बताते रहिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर करना। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप भी बहुत बढ़िया, स्वस्थ, सुरक्षित, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। आप भी चंदन टंडन जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, जिन्होंने मुझसे पूछा है बहुत बढ़िया हुआ। आप, उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे एकदम मजे ही कर रहे होंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। सभी विद्यार्थी, देखा जाए आज की क्लास में, आज हम बात करेंगे पाचन एवं अवशोषण का अगला विषय। नीट की क्लास है, नीट की तैयारी है, भूलना मत। आप लोगों से मैंने वादा किया था, संडे को मैराथन मिली थी और वो मिली थी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। उसका हाफ पार्ट आप लोग थोड़ा सा, आप लोगों की जो शेयरिंग है वो थोड़ा बहुत कम हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में ही बंद कर दिया उसे। अब हाफ पार्ट जो है वो मे बी कल हम उसे अपलोड कर, मतलब आप लोगों को शाम को 5 बजे के आसपास मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। देखते हैं कल नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट दिन अपन बात करेंगे। मैं बहुत बढ़िया हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया हूं। आप लोग भी अच्छे होंगे उम्मीद है। मैं बहुत बढ़िया हूं, उम्मीद है आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। स्टार्ट की जाए आज क्लास। आज हमें बात करनी, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टीचर्स हैं जो 10th क्लास के लिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये क्लासेस जो है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए, सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 से 9:15 तक के 2 घंटे की क्लास है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए 10th में हिंदी मीडियम की पूरी क्लास, मैथ्स एंड साइंस की 2 बैचेस मिलेंगे, आप इसे ज्वाइन कर लें। सफलता बैच आप जानते हैं, सफलता बैच लॉन्च की गई है। क्लास 9 से लेकर क्लास नीट जेई तक की सभी बैचेस है, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव फीस में। और अगर आपको एक क्लास अगर आपको इंटरेस्टेड लगती है तो 0124715820 पे कॉल कर सकते हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों को जो मैराथन मिली थी, आप लोगों का डल रिस्पांस की वजह से थोड़ा सा मैंने उसे जल्दी खत्म कर दिया। हालांकि 1 घंटे का पार्ट और कुछ बचा हुआ है हमारा उसमें। ठीक है, 1 घंटे और पढ़ेंगे तो हम लोग बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर अटेंड नहीं कर पाए तो जरूर जाकर देखें, बेहतरीन क्लास है वो, एकदम जबरदस्त है। बीच में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं किए, मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया था। इवन मैं व्यूज भी नहीं देख रहा था, वो तो हमारे असिस्टेंट लोगों ने बताया कि आप लोगों, आपके व्यूज जो है वो बहुत कम हो गए, 150 के आसपास हो गए। दैट्स व्हाई फिर मैंने उसे खत्म कर दिया वहां पर। ठीक है, अब उसका बचा हुआ पार्ट, इंट्रो पूरा पढ़ा दिया है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, आशीष मणिपाल, बिल्कुल पहचानता हूं भाई, जरूर पहचानता हूं। चलो बहुत अच्छा, क्या सकल है तुम्हारी, वाह वाह क्या बात है। चलो अब यहां पर पढ़ें। कैसे पहचानूंगा भाई, कहां हो नहीं जानता मैं। ठीक है, कैसे पहचानूंगा मैं, दिन में 100-200 लोगों से मिलता हूं, कैसे पहचानूंगा भाई आशीष। ठीक है, आरजी स्टेटस, आई लव यू टू ब्रो, आपको भी बहुत सारा प्यार। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है उसके सवालों का जवाब दे दीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आहार नाल के किस भाग में सूक्ष्मजीव होते हैं, आहार नाल के किस भाग में सूक्ष्मजीव होते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट बताएं, कोलॉन, रेक्टम, सीकम या इनमें से कोई नहीं। पहले सवाल फिर जवाब, पहले सवाल फिर जवाब, फटाफट जवाब बताएं यहां पर। वेरी फनी, आप बहुत बुरा पढ़ाते हैं। क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट नीचे करो। आप बुरा पढ़ाते हैं पापा जी, आपका नाम है बहुत, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप यहां क्यों आते हैं मुझे समझ नहीं आता। आप मत आइए यहां पर, आप, मैं बुरा पढ़ाता हूं, बिल्कुल आप मत आइए, आप यहां से जा सकते हैं। ठीक है, आप ढूंढिए कोई बेहतर टीचर, होप सो, मैं कोशिश करता हूं अच्छा पढ़ाने की, जब अच्छा पढ़ाऊंगा तब आप आइएगा। और कमेंट करके आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने काम से काम रखिए। चलिए भाई सवाल का जवाब है आपके स्क्रीन पर। चलो पहला जवाब, कोलॉन, रेक्टम, सीकम, कोई नहीं। आहार नाल के किस भाग में सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, नीट में पूछा गया सवाल है, पूरा फोकस रखें और सही जवाब बताएं। सबको पहचानता हूं भाई, सब प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मिलोगे तो सबको पहचान लूंगा, नहीं जान पाता भाई, बहुत ज्यादा कमेंट नहीं देख पाता मैं। सवाल का जवाब बताएं, विच वन इज राइट आंसर,
कोलॉन रेक्टम सीकम कोई नहीं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कोलॉन, ऑफकोर्स इज अ कोलॉन इज अ राइट आंसर, एकदम सही जवाब है कोलॉन पे। पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हुए कुछ क्वेश्चन को, नीट की तैयारी चल रही है भाई तो नीट के लिए क्वेश्चंस बनाने बहुत जरूरी है, नीट के लिए क्लोन नहीं स्टडी बॉय कुशवाहा, कोलॉन 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 इज अ राइट आंसर, कोलॉन एकदम सही जवाब है। यहां सबसे ज्यादा जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये बड़ी आंत का पार्ट है, ठीक है, बड़ी आंत में होता है ये कोलॉन, याद रखिएगा इसे, अदनाल हिंदी में कहते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, सही जवाब बताएं और वोटिंग फटाफट फटाफट सभी विद्यार्थी बताइएगा यहां पर, ठीक है। चलिए भाई अगला जवाब आपके स्क्रीन पर यहां पर है, इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है, कौन सा भाग आपको मुझे बताना है, इनमें से कौन सा भाग जो है वो अवशेषी अंग है, ठीक है। आप मुझसे मिले हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कहां मिले हैं, और नीचे करें थोड़ा सा, फारूक खान क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अगर अगली बार मिलेगा तो बताइएगा जरूर मुझे, मैं भी आप लोगों से जरूर मिलूंगा, ठीक है, बताइएगा, है ना, ठीक है, मिलिएगा जरूर, अगली बार मिलेगा तो बताइएगा, एक आध चाय वाय साथ में पिएंगे यार, बढ़िया, ठीक है, ओके। चलो अब सवाल का जवाब दो फटाफट बताओ, अगला जवाब क्या है, थर्ड मोलार समझते हैं, तीसरे नंबर का मोलार जो है क्या वो अवशेषी अंग है, क्या अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, सही जवाब के इंतजार में मैं यहां पर बैठा हूं, सही जवाब बताइएगा, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स लेना है, जल्दी बैच लॉन्च होने वाली है बच्चे, बहुत जल्दी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च हो जाएगी, आप नीट की बैच ज्वाइन करना, अभी तब तक मुफ्त का फायदा लो, मैं आप लोगों से मुफ्त में लेकर रहा हूं, अगर आप लोग के रिस्पांस अच्छे रहे तो मैं पेड कोर्स स्टार्ट करवाऊंगा और आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी सही जवाब यहां पर बताएं इनमें से कौन सा भाग अवशेषी अंग है, थर्ड मोलार, अपेंडिक्स, दोनों, या कोई नहीं। आप लोगों से नीट में भी जो है बहुत ऐसे ही सवाल आएंगे, इसलिए सवालों के सही जवाब दे दीजिएगा, ठीक है भाई। टोनी कुमारी सही जवाब बताओ, टोनी नाम है क्या, जो भी नाम होगा, सॉरी अगर मैंने नाम बिगाड़ा हो तो, मुझे ऐसे ही दिख रहा था। चलो भाई बताओ फटाफट नाम बताया जाए यहां पर, क्या है भाई, थर्ड मोलार, अपेंडिक्स, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है इंडिया, 172 वेट वोट है, मात्र 53% लोग कह रहे हैं बी। देखो भाई ये जो थर्ड मोलार है हमारा ना, ये भी एक अवशेषी अंग में ही गिना जाता है, तो आप लोग को इसीलिए मैंने ये सवाल जाना है कि अपेंडिक्स को तो हम पढ़ते हैं बट थर्ड मोलार को हम नहीं पढ़ते, तो थर्ड मोलार भी याद रखना कि ये भी जो है अवशेषी अंग होने जा रहा है, और दोनों इज अ राइट आंसर, इनमें से दोनों जो है वो दोनों भाग जो है वो याद रखना कि क्या कहलाते हैं, ये दोनों भाग हमेशा अवशेषी अंग की तरह आते हैं, तो अपना जवाब थोड़ा सा चेंज कर लेना यहां पर, ठीक है, आप इसे यहां पर ऐड कर सकते हैं। अगला जवाब यहां पर, खाना भी खाएंगे, चाय भी पिएंगे, सब पिया जाएगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, पहले बढ़ाई तो करो, नेक्स्ट टाइम मिलना तो हिंट जरूर कर देना कि आई एम स्टूडेंट नाउ, देख के इधर उधर मत चले जाना, ठीक है। रवि शर्मा कुछ ज्यादा ही पीने के माने कंटाप लगाएंगे एक वहीं पर, मारते भी बहुत बढ़िया है, चाय भर नहीं पिलाते हैं, सिगरेट पिलाएंगे तुमको हम, हैं, कान के नीचे लाल हो जाएगा पूरा तुम्हारा, मुंह कान फुला देंगे तुम्हारा, समझे। डॉक्टर एसके गुप्ता भी मिला, मैं कहां भाई, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे मैं तुमसे मिलता हूं, तुम मेरे से मिलते हो, मुझे पता भी नहीं चलता है कहां मिल लिए हो भाई ऐसा, ठीक है। सी मेरा सही, यस इस्माइली राजपूत, सी इज अ राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है, वही है चाय सिगरेट नहीं तो सिगरेट के साथ ना कंटाप एक जरूर मिलेगा पक्का, ठीक है। तो खैर अगली बार अगली जवाब ऐसा बात मत करना। चलो भाई अब थोड़े से टॉपिक की बात कर लेते हैं, पढ़ाई की बात इंटरेस्टिंग है, कोई बकवास नहीं करेगा, अगले 10 मिनट आप लोगों के कमेंट नहीं देखूंगा, जवाब जरूर सुनना। देखो भाई अगला सवाल पूछा जाएगा कि हमारी आंत जो है अगर हम उसे अगर काट के देखें, मान लेते हैं ये हमारी आंत है, हम इसको काट के देखते हैं तो वो कैसी दिखाई देगी, बाहर से लेकर अंदर तक कितनी प्रकार की परतें होंगी, हम इन विषयों पर बात करने वाले हैं। तो बाहर से लेकर अंदर तरफ की परत अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये एक परत है जो यहां से शुरू हुई है और यहां पर खत्म, इसका जो बीच वाला भाग है यहीं से भोजन आगे ट्रांसफर होता है, बात समझ में आ रही है, ये खोखला भाग है, अंदर का खोखला भाग है, कनल टनल के अंदर का भाग भी है, ठीक है,
ठीक है, तो ये बात ध्यान पे रखना। तो उसके साथ जो है वो वहां पर मटेरियल है, बीच का भाग जो है वहां पर वो भोजन है, और उसके बाहर पूरा जो है ये परत है। सो हम बाहर से लेकर अंदर तक की परत के नाम कर गिरते हैं। बाहर से लेकर अंदर की तरफ में परत में कौन कौन है, तो देखो भाई सबसे बाहर की तरफ है सेरोसा, नाम जरूर याद रखना, याद रखना पड़ेगा, सबसे बाहर की तरफ की बात है सेरोसा। उसके बाद ये दो परत है बच्चे, यहां से यहां तक की दो परत है, इन दो परत को अपन कहते हैं पेशियां, ये पेशियां हैं। इसमें से जो बाहरी भाग है वो अनुदैर्ध्य है, उसे हम कहेंगे बेटा लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल इसे अपन कहते हैं। और दूसरा भाग जो होता है ट्यूडिनल, ये पोर्शन हो जाएगा बाहर की तरफ में, और अंदर की तरफ में जो है वो वर्तुल, मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं पेशी, मतलब मस्कुलरिस। सो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बहुत नीचे बहुत नीट में सवाल पूछे गए इस टॉपिक पे, बहुत ज्यादा नीट सवाल है यहां पर। पहला सवाल सेरोसा, फिर सर्कुलरिस। रवि शर्मा जो कपाट, अब बकवास नहीं करना है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान लगाएं, हो गया ठीक है। चलो अच्छे स्टूडेंट हो, मैं ऐसी मजाक में कह रहा था, कोई बात नहीं, ऐसी फालतू अब शब्द वाली बातें अपने गुरुजी से नहीं करते हैं कि मतलब ठीक है हमने आपसे मजाक कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पे चढ़ के तांडव करेंगे, ठीक है। जो कब खत्म, पढ़ाई का सीजन है, नीट की बात चल रही है, हम यहां पर सिर्फ आपसे मस्ती करने नहीं, आपसे पढ़ने में भी आते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे बाहर वाला पार्ट है सेरोसा, अंदर की तरफ में दो परत है, उसका नाम है भीतरी वर्तुल, इसका नाम है सर्कुलर, और अंदर बाहर की तरफ में जो है उसका नाम है लॉन्जिट्यूडिनल। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मस्कुलरिस, क्या कहते हैं हम इसे, मस्कुलरिस कहते हैं। इसके बाद उसके अंदर की परत का नाम है सब म्यूकोसा, उसके अंदर की तरफ है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर की तरफ में जो खाली जगह है उसका नाम है ल्यूमेन, क्या नाम है इसका, ल्यूमेन है। अब सवाल देखिए यहां पर ध्यान लगाइए, सबसे पहला बॉबी परहार, वेरी वेरी गुड बेटा, यहां पर फटाफट अब थोड़ा सा फोकस करना। बाहर से अंदर की तरफ में मैं आपको ट्रिक बताता हूं, यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि बाहर से अंदर की तरफ में आप परत का नाम बताएं, तो एक ट्रिक है बेटा जिसका नाम है श्री, एल ए एल, लाल चंद्र, श्री लाल चंद्र, ये ट्रिक है। और अगली कहानी आती है श्रीमती, अगला वर्ड आएगा श्रीमती लाल चंद्र, ठीक है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे श्रीमती लाल चंद्र। अब इसमें क्या ट्रिक है भाई, यहां पर देखो फटाफट, तो सबसे पहला श्री का एस शुरू होता है बेटा सेरोसा से, तो आप इसे हिंदी में लिखो, जैसा लिखना हो लिखो सेरोसा, ठीक है, ये नाम हो गया सेरोसा, सिरोसा, सॉरी सिरोसा। दूसरा वर्ड आता है एल का, मतलब होता है बेटा ये आता है इसमें से लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वर्ड आएगा, याद रखना इसे अपन अनुदैर्ध्य कहते हैं। चंद्रा का मतलब सी, और सी का मतलब होता है भाई यहां पर सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब वर्तुल, गोलाकार। तो उसके बाद अच्छा एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं बेटा पेशी, ये दोनों एक ही परत का निर्माण करते हैं, ये पेशी से बने होते हैं, किसके बने होते हैं, पेशी से। श्री लाल चंद्र, एस एल सी, सेरोसा बोला जाए, याद हुआ क्या, बाहर से तीन परत याद हुई क्या, सेरोसा, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर दोनों को मिलाकर बनती है पेशी। मुझे चाहिए आंसर, क्या बच्चों को याद हुआ, या सुनो, अगले एस का मतलब होता है बेटा सब म्यूकोसा, अगले वर्ड का मतलब होता है सब म्यूकोसा, एम का मतलब होता है म्यूकोसा, और एल का मतलब होता है ल्यूमेन, और चंद्रा यहां पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से याद रखना बेटा, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, जल्दी जल्दी बात बताइए, बाहर से अंदर की तरफ में जो होता है वो क्या आंसर होगा, सही जवाब बताएं यहां पर। बाहर की तरफ सेरोसा, फिर लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आपका सर्कुलर, ये दोनों मिलाकर पेशी बनाते हैं, फिर आ गया सब म्यूकोसा, फिर हुआ म्यूकोसा, और उसके बाद है ल्यूमेन, या सनो कमेंट करके बताइए, मुझे याद हुआ कर सकते हैं आप, याद नहीं, अगली बार सवाल आया कि बाहर से अंदर की तरफ सभी परतों का नाम बताइए, बाहर से सबसे बाहर कौन, सेरोसा, फिर कौन, लॉन्गिट्यूडनल, फिर कौन, आपका सर्कुलर, ये दोनों मिलाकर मस्कुलरिस बन गए, फिर कौन, सब म्यूकोसा, फिर कौन, म्यूकोसा, फिर कौन, ल्यूमेन, दैट्स ऑल, खत्म, यहां पर टॉपिक खत्म हुआ। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, याद हुआ कि नहीं हुआ, जरूरी है, नीट में कई बार पूछा गया है, इसलिए भाई इसे जरूर याद रख लेना। अब सबकी कहानियों को एक एक बार देख लेते हैं कि सरोसा का क्या रोल है,
सब म्यूकोसा का क्या रोल है, म्यूकोसा का क्या रोल है, ल्यूमेन क्या करता है, मसल क्या करता है। देखो भाई एक लाइन शॉर्टकट में बताता हूं, सबसे बाहर की तरफ में जो भाग है वो तो सुरक्षा देगी, मसल्स का काम है संकुचन और शिथिलन करना। दुनिया में भारत में शरीर में कहीं पर भी पेशी प्रेजेंट है तो इसका काम है कि वो संकुचन और शिथिलन करेगी। अब आता है भाग सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पार्ट सबम्यूकोसा, तो फोकस करो सबम्यूकोसा पे। सबम्यूकोसा में होती है धमनी, सबम्यूकोसा में होता है सिरा, सबम्यूकोसा में होता है लैक्टियल्स मतलब आपकी लशिका ग्रंथि, लशिका वाहिनी, सारी वाहिनियां सबम्यूकोसा में। तो सवाल पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ग्रंथियां, सबसे ज्यादा म्यूकस, सबसे ज्यादा रक्त वाहिकाएं कहां होती हैं, आप कहेंगे सबम्यूकोसा में। म्यूकोसा क्या है, आंतरिक परत जो ऐसा फोल्ड बनाएगा और उसे बना देगा ल्यूमेन में, अंदर की तरफ में। रिपीट करवा दिया जाए विमल के लिए, चलो भाई बाहर की तरफ में हो गया सेरोसा, उसके बाद आपका मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के दो पार्ट याद रखना लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद में आ गया लॉन्गिट्यूडनल के बाद में क्या भाई सर्कुलर श्री लाल चंद्र, और उसके बाद हो गया श्रीमती लाल चंद्र, तो SML SLC श्रीमती का मतलब हो गया सेरोसा म्यूकोसा ल्यूमेन। इतना भी टफ नहीं है यार कि रिविजन कराना पड़े, ठीक है सर। क्या आप डेली लाइफ, यस डी नॉलेज डेली लाइफ आता हूं, एक दिन इलेवंथ एक दिन ट्वेल्थ के लिए है, कुछ बेहतर लेकर आपके लिए आता हूं, होप सो आपको पसंद आएगा, यदि आप मिले तो जरूर आपको मिलेगा। चलिए सवाल को, शमशाद आलम जी जब भी आपके भोजन की नलिकाओं में भोजन जा रहा हो और वो फंस जाए, अंदर बाहर ना हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए अब उसे एयर लेने लग जाता है, होता ना ऐसा, गाड़ी एयर लेने लग जाती है, तो उस एयर को इसलिए ले रहा है भाई ताकि थोड़ा बहुत ना वहां पर एयर मिल जाए और वो आगे चला जाए। पानी पी लो, भोजन आगे बढ़ जाएगा, हिचकी खत्म हो जाएगी। तो हिचकी क्यों आती है, हिचकी जो है वो यहां पर पादप परिवहन वाला चैप्टर नहीं बनाया क्या, बनेगा प्रीति कोचला सॉरी जो भी नाम है आपका, जरूर मिलेगा पादप परिवहन वाला टॉपिक आपको मिलेगा जल्दी। आप लोगों का ये टाइमिंग देखा जा रहा है कि किस समय आप लोगों को ये दिया जाए, जरूर मैं आप लोगों को वो टॉपिक जरूर दूंगा। क्यों सर जी सब म्यूकोसा, बेटा परत है सारी ग्रंथियां नहीं, मैक्सिमम ज्यादातर ग्रंथियां, सारी ग्रंथियां नहीं ज्यादातर ग्रंथियां सब म्यूकोसा पे है, क्योंकि वो परत ब्लड वेसल से बनी हुई है भाई। अब सवाल ये है कि अब ऊपरी परत में ब्लड क्यों नहीं होता, रक्त अंदर क्यों है, धमनी सिरा अंदर क्यों है, वैसे ही सवाल है कि सब म्यूकोसा अंदर की सेफेस्ट लेयर है, ना बाहर है ना बहुत अंदर है, बीच की परत है, इसलिए उसके पास में ये प्रेजेंट होना लाजमी है। सवाल सुना जाए, सबसे बाहरी परत सेरोसा, सबसे बाहरी परत कौन सेरोसा, एक पतली मेसोथेलियल से बनी हुई है, मेसोथेलियल से बनी हुई है, पहला सवाल, कुछ संयोजी ऊतक भी हैं। मस्कुलरिस के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो बाहरी आंतरिक भाग सर्कुलर है, बाहरी भाग अनुदैर्ध्य पेशियां मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी सवाल है, बाहर कौन लॉन्गिट्यूडनल, अंदर कौन सर्कुलर, बाहर कौन, हिचकी आती है याद करते हुए आती है अब, हाँ हो गया भाई कोई ना कोई तो याद करता ही होगा तुमको, इतने भविष्य के अच्छे विद्यार्थी हो तुम लोग, इतने अच्छे हो कोई ना कोई तो जरूर याद करता है। लवलेश कुमार जी हम आते हैं 6 से 6:10 के बीच में, ठीक है 6 बजे आप आ जाइएगा, 5-10 मिनट में मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। यस डी नॉलेज फैक्ट इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं परंतु अभी यहां पर हिंदी मीडियम की बैच चल रही है यूट्यूब पे, दैट्स वाई हम शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है बट हम इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। अगला सवाल, ठीक है भाई अगला सवाल, तो यहां पर हो गया भाई कुछ भागों में तिर्यक पेशी होता है, अब कभी कभी क्या होता है दो पेशियां हैं वर्तुल और बाह्य अनुदैर्ध्य, लेकिन कुछ भागों में जैसे कि आपका स्टमक, स्टमक वाले पार्ट में पेशियां 3 भागों से बनी होती हैं, उसे कहते हैं तिर्यक या आप उसे कहेंगे ऑब्लिगेट लेयर। अब इस लेयर का नाम याद रख लेना भाई कि पेट वाले भाग में ना अम्लीता ज्यादा है, पेट वाले भागों में अम्लीता ज्यादा है, तो अम्लीता ज्यादा जो है ना उसकी वजह से बचाने के लिए पेट में तिर्यक पेशी स्तर है जिसका नाम है ऑब्लिगेट लेयर या ऑब्लिगेट मसल। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बात जल्दी बताइए। 3 बातें मैंने आपको बताई, बाहरी भाग सेरोसा, आंतरिक भाग जो है पहले लॉन्गिट्यूडनल फिर सर्कुलर, ज्यादातर भागों में 2 ही होता है परंतु स्टमक में 3 पेशियां होती हैं और तीसरी पेशिया का नाम है ऑब्लिगेट लेयर तिर्यक पेशी। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएं, ठीक है
जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट जवाब बताएं यहां पर, विच वन इज राइट आंसर। क्या सर ऋषु राठौर, क्या बकवास चल रही है भाई आज, थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस प्लीज, नीट की पढ़ाई चल रही है यहां पर, चेहरा क्यों लाल हो जाता है, बताया जाएगा ऐसे बकवास सवाल को का जवाब। इन जवाबों का तो आप लोगों पान ठेलम खड़ो, किसी से पूछ लो सब जवाब दे देंगे। भाई योगेश चंद्र शुक्ला से सवाल पूछ रहे, कुछ तो लॉजिक लगाया करो अच्छे अच्छे, ठीक है, सवाल होना चाहिए, मतलब एक क्वालिटी होनी चाहिए सवालों की। अब क्या सवाल है ये, हिचकी क्यों आती, किसको नहीं पता है, सबको पता है, तो थोड़ा सा लॉजिक में आइए, हमसे सवाल पूछना थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए उसका, फिर अच्छे से सवाल पूछिए। अभी पता है पढ़ा रहा हूं, मूड मेरा यहां पर है और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ठीक है। पेट का अर्थ अमाशय, बिल्कुल पेट का अर्थ अमाशय, अमाशय ही यहां पर रहता है। अगली कहानी, अब ये हो गया भाई दो परत, पेट में दो परतें होती हैं, पेट में दो परतें होती हैं। अगला कहानी बताएं, अब आ गई भाई बेटा सब म्यूकोसा वाली बात, सब म्यूकोसा में रुधिर है, सब म्यूकोसा में लशिका है, तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी उतक है, इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, छाप लिया जाए इस बात को, माय लॉर्ड इस बात को छाप लिया जाए, ये बात सब म्यूकोसा में रुधिर है, लशिका है, तंत्रिका है, नीट में इन्हीं शब्दों पे सवाल आएंगे, अगर आपने याद कर लिया तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ग्रहणी में क्या भाग है भाई, अब ये अगर ग्रहणी वाले क्षेत्र में देखा जाए, मतलब ड्यूडनम में, ड्यूडनम वाले कुछ क्षेत्र में यहां पर जो है इनमें कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा ग्रंथियां कहां है, आप कहेंगे सब म्यूकोसा में, ग्रहणी वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। आहार नाल की ल्यूमेन सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है, ठीक है, म्यूकोसा सबसे भीतरी परत है। म्यूकोसा का काम क्या है, इधर म्यूकोसा का काम है बेटा ऐसा 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 प्रवर्ध बनाना, ताकि इससे ना अवशोषण वगैरह बना हो, जिसे हम अंकुर कहेंगे या तो सूक्ष्म अंकुर कहेंगे। तो ये याद रखना, आहार नाल की म्यूकोसा वाली परत जो है ना वो फोल्ड बनाती है, क्या बनाती है, फोल्ड बनाती है, ठीक है, अरे तेरे, ठीक है, तो फोल्ड बनाती है गोलू मोलू। ओके, ये भी कमेंट मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठीक है। ये सुने जमाना हो गया मुझे, देखिए कहां से मैं गोलू मोलू किसी की दिखता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है। सीक्रेट म्यूकस विच प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम एचसीएल, ऑफकोर्स बॉबी परिवार, बट यहां पर अभी हम म्यूकस की बात अभी थोड़ा सा नहीं कर रहे हैं, अभी मैं उसमें ग्लैंड में आऊंगा तो फिर बेहतर बताऊंगा, तो अभी शॉर्टकट है थोड़ा सा, है ना, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम बॉबी परिवार आपके बारे में भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो भाई, तो अब ये बात होती है कि ये जो छोटी आंत वाला भाग जो है ना, वो कभी कभी ऐसा फोल्ड बनता है जिसे अपन विलाई कहते हैं, नाम जरूर सुनिएगा, विलाई। सूक्ष्मांकुर कहां पाए जाते हैं, छोटी आंत में। सूक्ष्मांकुर कहां पाए जाते हैं, छोटी आंत में, क्यों, क्योंकि वहां अवशोषण करना है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि छोटी आंत में ही क्यों विलाई पाई जाती है, क्यों ऐसा फोल्ड पाया जाता है, ताकि भोजन इन क्षेत्रों में फंस जाए और भोजन को अवशोषण करने में थोड़ा सा समय मिल जाए। क्या कहा है मैंने, सिर्फ छोटी आंत में ही क्यों पाया जाता है आपका विलाई, क्योंकि भोजन उन विलाई में फंस जाए, उनका सरफेस एरिया क्षेत्रफल बढ़ जाए, और जिसकी वजह से अवशोषण ज्यादा मात्रा में हो जाए, इसलिए छोटी आंत में ही विलाई पाई जाती है। क्या आप मेरे पॉइंट को, गॉट माय पॉइंट, आपको दिमाग में बैठ गया, क्या आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, ठीक है, क्या आपके दिमाग में मेरी बात बैठ गई कि एकदम कहानी है कि विलाई मतलब ऐसा फोल्ड जो है ऐसा गोल 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 क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसमें अवशोषण हो सके, सरफेस एरिया बढ़ सके, दैट्स वाई विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। यह बात आप याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अब अंकुर की सतह पर बहुत सारे अंकुर के भी अंदर और अंकुर होते हैं। अब जैसे मान लो ये बड़ा सा अंकुर बना दिया मैंने, इस अंकुर के अंदर भी बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी परतें होती हैं जिन्हें हम सूक्ष्म अंकुर कहते हैं। सो छोटी आंत में यहां पर दो बातें होती हैं, छोटी आंत में दो बातें होती, पहले तो अंकुर विलाई एंड सेकेंड वन इज अ माइक्रोविलाई, सेकेंड वन इज अ माइक्रोविलाई, ये दोनों पॉइंट याद रखेगा। थर्ड चैप्टर देंगे बोर्ड स्पेशल का बेटा, अभी अगला टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, कल हम बायोटेक को पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देते हैं, कल बायोटेक खत्म हो जाएगा, ठीक है। लव गुप्ता, व्हाट योर टाइम टू टीच, फ्रॉम 6 PM टू 7 PM इन यूट्यूब, ओके।
हो गया। और पेड और कोर्स में तो अलग अलग टाइम पे होते रहती है, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप लोग जब ऐड करोगे तभी पता चलेगा। 6 बजे आ जाइए, 6 से 7 आप लोग को यूट्यूब पे मेरी क्लास मिल जाएगी, 6:15 PM पे आपको मिलेगा, ये बात याद हो गया। चलिए अगला सवाल भाई, तो हमारे पास में विलाई है और माइक्रो विलाई है। विलाई जो है वो सूक्ष्म अंकुर है, उसके अंदर जो छोटा भाग है ये भाग है आपका, याद रखना, माइक्रो विलाई। क्या नाम है इसका? माइक्रो विलाई। डायग्राम बना लो, कहानियां बना लो, याद कर लो इस बात को कि अगर मान लो ये विलाई है तो इसके ऊपर ये जो छोटा बन रहा है वो माइक्रो विलाई है। सभी अवशोषण को बढ़ा देते हैं, रूपांतरण को बढ़ा देते हैं एंड ब्रश बॉर्डर जैसा दिखाई देता है। ये नीट में पूछा गया सवाल है कि आहार नाल में, ये नीट में पूछा जाने वाला सवाल है कि नीट में बताएंगे बेटा कौन से एंजाइम से भोजन चल पचता है। रवि शर्मा थोड़ा सा वेट करें, अभी तो हम लोग केमिकल में चल रहे हैं। दो बातें मैंने बताई, पहला जवाब यह है कि सूक्ष्मांकुर कहां होता है, मतलब विलाई कहां होता है, छोटी आंत में। माइक्रो विलाई कहां होता है, छोटी आंत में। इसकी वजह से यह ब्रश की जैसा दिखाई देता है, दैट्स व्हाई कहते हैं इसका ब्रश बॉर्डर है। क्या करेगा यहां पर? ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है। सो ब्रश बॉर्डर ये जो होता है यहां पर आपको मिल जाएगा। अब ब्रश बॉर्डर जो है यहां पर, क्या बात है, बायो का टॉपर बन गया हूं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुझे ऐसी ही उम्मीद है। आप लोग पढ़े, अगर टॉपर बन जाए तो यहां पर बहुत बढ़िया, ठीक है। इलियम और इलियम क्या है, श्वेता, स्वाति, श्वेता, जो भी आप थोड़ा सा पढ़िए भाई, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। चलिए अगला जवाब, तो ब्रश बॉर्डर जो है भाई वो वहां पर मिलता है। सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, मैं आपको बता चुका हूं, ब्रश बॉर्डर हो, माइक्रो विलाई हो या विलाई हो, ये तीनों विषय याद रखना बच्चे, ये तीनों विषय हमेशा छोटी आंत में होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ब्रश बॉर्डर ब्रश के जैसा दिखाई देता है। दूसरी बात, सूक्ष्म अंकुर, उसके अंदर जो है आपके पास में विलाई एंड माइक्रो विलाई, ये सारी चीजें जो है हमारी छोटी आंत में, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले जवाब दे दीजिए फटाफट, आहार नाल के किस भाग में रक्तवाहिका उपस्थित होती है? आहार नाल के किस भाग में जो आपकी रक्तवाहिनियां हैं या फिर ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, किस जगह पर है? सही जवाब बताइए, विच वन इज राइट आंसर, जल्दी बताइए। सेरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा या इनमें से कोई नहीं, विच वन इज राइट आंसर, जवाब दिया जाए, जवाब दिया जाए, सही जवाब बताया जाए बच्चे लोग। आप लोग क्या सही जवाब है, क्या लगता है? सेरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे सब म्यूकोसा, म्यूकोसा में, इन सबको मिलाकर सवाल बनते हैं। तो जवाब बहुत बेहतर दीजिएगा तभी आंसर भी बेहतर मिलेंगे। क्या लगता है सही जवाब है इस बार, जल्दी बताया जाए, विच वन इज राइट आंसर, क्या कह रहे हैं बाकी लोगों के वोट, किधर है, क्या सही जवाब है इनमें से, विच वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बताया जाए बच्चा लोग, सभी लोग आंसर बताएं मुझे, क्या सही जवाब है, क्या लग रहा है? बी, सब म्यूकोसा, ऑफकोर्स सब म्यूकोसा इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जहां पर आपकी रक्त ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा वहां पर हमारे पास में सब म्यूकोसा होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, म्यूकोसा पे जो सवाल पूछा जाएगा वो याद रखना कि अगर ऐसी ऐसी संरचना बनी हुई है तो ये विलाई है, इसके ऊपर ये जो संरचना है ये माइक्रोविलाई है, और ये जो ऐसा प्रेजेंट होता है ना, इसी वजह से ये ब्रश बॉर्डर दिखाई देता है। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा ब्रश बॉर्डर कहां पाया जाएगा, आप कहेंगे छोटी आंत से, यस, अगर आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए हैं। यदि आपको यस कहना है, यदि आप मेरे पॉइंट को समझ गए हैं, और पोल में सही जवाब भी आपको देना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, नीट में ही आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, यहां पर बिल्कुल नीट में आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला जवाब, आहार नाल के किस भाग में सूक्ष्म अंकुर, सूक्ष्म अंकुर का मतलब होता है माइक्रोविलाई। सवाल इसलिए बनवा रहा हूं ताकि रट्टा हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इनमें से कौन सा भाग है जहां पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं? सही जवाब बताएंगे क्या आप लोग, बताएंगे? ब्रश बॉर्डर सूक्ष्मांकुर में पाया जाएगा, ठीक है, जल्दी बताया जाए, विच वन इज राइट आंसर, सभी बच्चे सही सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। बी लॉजिकल बेटा, देखो दुनिया में मस्ती मजाक हर एक चीज, हर चीज का समय,
पर एक बात याद रखना, सीरियस होने का अपना एक टाइम है और आपको हमेशा सीरियस रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में हमेशा मजाक ही रह जाए ऐसी कोशिश मत करो और ऐसी चीजें करने की कोशिश मत करो। ये YouTube है दोस्त, यहां क्रांति है, सवाल का ज्ञान भी मिलता है और यहां पर दुनिया भर के अनावश्यक ज्ञान भी मिलते हैं। सो अगर आप जिस दिशा में बढ़ना चाहते हो उस दिशा का ज्ञान लो और अपने आप को जितना सिंसियर बना सकते हो उतना बनाओ, जितना सिंसियर बना सकते हो। मैं एकदम कह रहा हूं आपके फालतू कमेंट करने से आपकी जो है ना कुछ बढ़ोतरी नहीं हो जाती। आपको क्या लगता होगा आपको यहां पर कोई नहीं देखता, असल में आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको पूरी दुनिया देख रही है। आपकी एक गलती, सोचो कि कल आप मेरी जगह पे हो और आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं कि आप ऐसी गंदी गंदी फालतू हरकतें करते हो और आप मेरी जगह पे पहुंचो और आप YouTube पे क्लास दे रहे हो, तब लोग क्या कहेंगे, अरे ये क्या, ये तो कल तक यहीं खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, यहां पर ये कर रहा था वो कर रहा था, आज बड़ा टीचर बनने आया। तो इसलिए याद रखना बेटा, कभी भी समय बदल सकता है और उस समय के लिए तैयार रहो। अपने आप को हमेशा से एक स्टार मान के चलो कि दुनिया आपको देख रही है और आपकी वजह से समाज का भला या बुरा होगा। सही चीजों पे फोकस करो, कमेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आज भी YouTube पढ़ाई का माध्यम बनाओ, टाइम पास का माध्यम नहीं। मैं कल देख रहा था बाद में कमेंट्स वगैरह, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं आप लोगों के लिए 3.5 घंटे लगातार क्लास लिया, शायद अगर आप लोग चलते रहते 4 घंटे भी चलते, लेकिन आप लोग के व्यूज, आप लोग 4 घंटे बैठ के मोबाइल पे देख नहीं सकते। मैं 4 घंटा लगातार पढ़ा सकता हूं बट 4 घंटे आप लगातार देख नहीं सकते। उसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स में जवाब क्या थे, हेलो, ये आई लव यू, हेलो एवरीवन, हेलो दोस्त, हेलो राघव, हेलो सोनिया, ये कोई जवाब होता, ये करने आते हो तुम लोग यूट्यूब पे, ये है तुम्हारा यूट्यूब पे सेंस, तुमको पढ़ाया जा रहा है कोई भी चीजों को और आपस में जवाब में लगे हुए हो। तो भाई मैं एकदम सीरियसली कह रहा हूं, प्यार से कह रहा हूं कि जवाब अगर कोई पढ़ा रहे सिंसियरिटी से तो पढ़ो, हर जगह नहीं मिलता है भाई, हर जगह चीजें नहीं मिलती हैं। आप लोग खुद किस्मत हो जहां पर आपको ये चीजें मिल रही। जब मैं पढ़ता था तो तरसता था मैं कोई टीचर मुझे दोबारा समझा दे, आपके पास पूरा ब्रह्मांड पड़ा हुआ। ये यूट्यूब आपका सबसे बड़ा अस्त्र हो सकता है यदि आप सही उपयोग करें तो, परंतु मुझे देख के लगता नहीं। अगला जवाब, खैर कोई समस्या नहीं है, जो भी है तो बताया जाए भाई क्या जवाब है। सूक्ष्म अंकुर कहां प्रेजेंट होता है, 76% लोगों ने कहा है छोटी आंत में होता है, तो मान लेते हैं छोटी आंत में होता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब सबसे अंत में आता है बेटा कि जो छोटी आंत वाला भाग है मैंने आपको बता दिया है, छोटी आंत वाले भाग में, अंकुर वाले भाग में आप यहां देख रहे हैं, ये जो रेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये धमनी है, ये धमनी है, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है सिरा, ये जो येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये लसिका वाहिनी है, ये है लसिका वाहिनी, लैक्टियल्स इसका नाम मत भूलना, बहुत जरूरी है। तो यहां पर रक्त भी है लसिका भी है, रक्त भी है और लसिका भी है, याद रखना यहां पर रक्त भी है और लसिका भी है, बस कहानी खत्म हो गई। इस तरह से चीजों को याद रखना और यह हमारी पार्ट बन जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की। चलिए भाई अगले विषय पे आते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर वाहिकाओं का हो गया, अब हम यहां से पढ़ेंगे यहां पर ग्रंथि, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे ग्रंथि के बारे में, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं हमारे पास में, अब सुनो तुम्हारे मुंह में क्या है, देखते हैं भाई यहां पर ग्रंथि कौन कौन सी है। सबसे पहली ग्रंथि पाचन ग्रंथियां, हम कितनी ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, हम ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली ग्रंथि का नाम होगा लार ग्रंथि, आज लार ग्रंथि खत्म करके मानेंगे। दूसरी ग्रंथि हमारे पास में होगी जठर ग्रंथि जो आपके स्टमक में प्रेजेंट है। तीसरी ग्रंथि हो जाती जिसे अपन कहते हैं बेटा आंतरिक ग्रंथि जो आंत्र में प्रेजेंट है। फिर इसके बाद चौथी नंबर की ग्रंथि हम पढ़ेंगे यहां पर यकृत या लीवर जिसे अपन कहते हैं शायद, ठीक है, लीवर, ये ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। और पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे अग्न्याशय के बारे में, अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में बात करेंगे कि अग्न्याशय कहां पर है, क्या रिलीज करता है, क्या क्या बनता है वगैरह वगैरह। ये 5 ग्रंथियां एक साथ करेंगे, ठीक है भाई। अगला सवाल, पहली बार पाचन ग्रंथियां क्या हो सकता है, देखो भाई इस मुंह को सेक्शन देखो इसका, ये यहां पर मैं आपको 3 ग्रंथियां बता रहा हूं, मुख से निकलने वाला ये प्यारे बच्चे का लार, इस लार में क्या क्या है, इस बच्चे के लार में आखिर क्या है, आज आप लोगों को मैं सारी चीजें बताऊंगा, यहां पर सारी चीजें बताऊंगा, जल्दी बताइए यहां पर, ठीक है। कोई मुकेश कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करें चले। तो हमारे मुख में बेटा 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, कहा जाता है कि हमारी सबसे पहली ग्रंथि है जिसका नाम है पैरोटिड, इंग्लिश में कहते हैं पैरोटिड और हिंदी में कहते हैं भाई, इसे पैरोटिड को इंग्लिश में ही याद रखना, कर्ण पूर्व ग्रंथि,
ये प्रेजेंट होती है कान के पास में। ये देखो, ये कान का भाग है, कान के जस्ट नीचे ये जो आपका यहां पर कनपट्टी वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में जहां पर मार्नेस लाल हो जाता है, यह क्षेत्र है आपकी ग्रंथियों का। इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एक ग्रंथि है, दोनों तरफ में ग्रंथि है और एक तरफ दोनों तरफ, इसका नाम है पैरोटिड, हिंदी में कहते हैं कर्णपुर्व। डायग्राम ढूंढ के लाया हूं, बहुत बेहतरीन, देखो और मजा करो। पैरोटिड से यहां पर एक पतली सी वाहिका निकलती है और मुख में जाकर खुलती है, पैरोटिड डक्ट नाम होता है, कर्णपुर्व की डक्ट नाम होता है पैरोटिड, याद रहेगा। सारे हार्मोन याद रखना, हमारे माउथ में या लार में जितने भी हार्मोन प्रेजेंट होंगे वो सारे कर्ण पूर्व ही रिलीज होता है। कर्ण पूर्व हमेशा रिलीज नहीं करता, जैसे अभी माउथ में मैं कुछ खाना नहीं खा रहा हूं ना, तो मेरे माउथ में पाचन नहीं हो रहा होगा, तो कर्ण पूर्व अभी रिलीज नहीं कर रहा है। कर्ण पूर्व तभी रिलीज होगा जब कुछ आप अच्छा खाना खाएंगे, तो मुंह में ज्यादा पानी जो लार आता है ना, मुंह में पानी आ गया, वो कर्ण पूर्व की वजह से आता है। सवाल ध्यान से सुनेंगे, लार का, लार में हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स, हॉर्मोन कहना चाहिए, ये कहना चाहिए एंजाइम, क्षमा चाहता हूं, हॉर्मोन्स नहीं, एंजाइम, ठीक है। सो हमारी लार में जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कर्ण पूर्व से आते हैं, और उसमें से एक एंजाइम का नाम है एमाइलेज, आप इसे टाइलिन भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आप कहेंगे लार ग्रंथि में दो ही एंजाइम हैं, एक ही एक्चुअली, एमाइलेज और टाइलिन। ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं हम बाद में समझेंगे, लेकिन ऑल एंजाइम्स कम्स फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड, लाइन जरूर याद रखना। अगली कहानी, अगला पॉइंट, अब हमारे ये जो मुख का वाला भाग है इस पे थोड़ा सा फोकस करो। एक चीज तो यहां पर दिख रही है भाई, निचला जबड़ा, जबड़े के निचले भाग में, ये जबड़े के निचले भाग में एक और ग्रंथि है, ये ग्रंथि दिख रही है जिसका नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर इसे हम कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है बेटा निचला, ये प्रेजेंट होती है, याद रखना, निचला जबड़ा में ये प्रेजेंट है। लोकेशन पूछा जाएगा कहां प्रेजेंट है, निचला जबड़ा में। दूसरी ग्रंथि, जीभ के नीचे, जीभ उठाओगे उसके नीचे भी एक ग्रंथि है जिसका नाम है सब लिंगवल ग्लैंड, इसकी भी संख्या दो होती है। निचला जबड़ा के पास जो सब मैंडिबुलर है उसकी संख्या भी दो है, और जो कर्णपूर्व है इसकी संख्या भी दो है। चलो भाई देखो, यहां पर थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूं। गाल में, आपके चिक्स में जो प्रेजेंट है वो है कर्णपूर्व, नाम है इंग्लिश में इसका पैरोटिड ग्लैंड। निचले जबड़े में जो प्रेजेंट है उसका नाम है अधोजंभ अविचुंबकीय, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में सब मैंडिबुलर। क्या कहते हैं इसे, सब मैंडिबुलर। जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे, बिलो द टंग प्रेजेंट है अधोजिह्वा, हम इसे कहेंगे बेटा सब मैक्सिलरी, सॉरी सब लिंगवल, ठीक है, मैंडिबुलर, और इसे हम कहेंगे सब लिंगवल, ठीक है, लिंगुअल कहते हैं। अच्छा, मैंडिबुलर को मैक्सिलरी भी कहते हैं ना, सब मैक्सिलरी। इंग्लिश में, हिंदी में, हर चीज में याद करके जरूर रखिएगा। गूंगे मनुष्य क्यों नहीं बोल पाते, अरे क्योंकि वो गूंगा है, क्योंकि वो गूंगा है इसलिए नहीं बोल पाता। बोलने के लिए जीभ चाहिए, वोकल कार्ड चाहिए, बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर आपकी आवाज को बनाते हैं। आपके अंदर एक बांसुरी है समझ लो, वॉइस बॉक्स जिसे अपन कहते हैं, उसमें हवा जानी चाहिए और निकलनी चाहिए तो सुरीली आवाज से। अब वो वॉइस बॉक्स कभी कुछ खराब हो गया तो आवाज नहीं निकल पाती। बाहर निकलते समय एक टोन बनना चाहिए, जीभ की वजह से बनता है, वो भी नहीं रहेगा तो नहीं बोल पाएंगे। तीनों का नाम बताया जाए, कर्ण पूर्व ग्रंथि दो प्रेजेंट है, पैरोटिड टू टाइम्स, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी दो की संख्या में, सब लिंगवल दो की संख्या में, सब मिलाकर रिलीज क्या करते हैं, लार मुख गुहा में पहुंच गई, सब मिलाकर लार बन गया, मुख गुहा में पहुंच गई। अब ये सीएसडी जान सर, हाय काजल, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में हैं, हाय काजल, अरे पढ़ा रहे हैं यहां पर, काजल पे पीछे पड़े हुए हैं लोग, हमसे बात करो। चलो भाई अब सवाल सुनो, यहां पर टोटल मिलाकर यहां पर जो है ना छह ग्लैंड हुई, ठीक है, तीन जोड़ी, क्या मिला यहां पर, तीन जोड़ी। समझ में आई मेरी बात, यहां तक बात समझ में आ रही है भाई, वंशिका मिश्रा मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना भाई, जल्दी बताइए
ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये तीन ग्लैंड जो है दो 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 करके प्रेजेंट होती हैं और टोटल मिलाकर छह ग्रंथि हो गई। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला पॉइंट यहां से, मुंह में टोटल छह ग्रंथियां, टंडन जी टोटल छह, टोटल छह, दो 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 मिलाकर तीन जोड़ी लिखो या छह लिखो, जैसा आंसर होगा वैसा आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो भाई अगली कहानी पे आते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अब मुख गुहा में क्या क्या बन रहा है। तो मुख गुहा में सबसे पहले भाई तो वाटर है, सबसे पहली बात पूछा जाएगा कि लार में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सबसे पहले हमें चाहिए भाई वाटर, पहला चीज। दूसरा कुछ होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट, इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट। तीसरे नंबर पर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज के बारे में कहा जाता है ये स्टार्च का पाचन करता है। और चौथा नाम पे एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम, इसका नाम तो भूलना ही नहीं भाई। लाइसोजाइम आपके मुख में लगातार बोल रहे हो तो वहां पर लार जो है ना वो क्या हो रहा है, मुख जो है वो बैक्टीरिया जा रहा है। सो मुख में लगातार बैक्टीरिया जाने की वजह से मुख में इंफेक्शन होता है। उससे बचाने के लिए प्रेजेंट है हमारे पास में कौन, लाइसोजाइम। सबका काम बता रहा हूं मैं यहां पर, कौन कौन से एंजाइम है, एमाइलेज या टाइलिन या लाइसोजाइम, ये मारता है बैक्टीरिया को, ये मारता है बैक्टीरिया को। एमाइलेज जो है वो स्टार्च का पाचन करता है, कार्बोनेट का काम पीएच बैलेंस करके रखना है। ठीक है, जल्दी बात फटाफट बताइए यहां पर, विच वन इज राइट आंसर। ये जवाब है कि आपका जो एमाइलेज है ना वो एमाइलेज टोटल स्टार्च का 30% स्टार्च मुख में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अगली बार सवाल पूछा जाएगा कि माउथ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डॉक्टर कोमल यादव, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब बेटा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ये सब ना विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ये प्रेजेंट है उसमें। इसके अलावा एंजाइम के नाम पर जो है एमाइलेज प्रेजेंट है और लाइसोजाइम प्रेजेंट है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारेगा, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारेगा, और जो एमाइलेज है वो स्टार्च का पाचन करेगा। जवाब मुझे बताएं यहां पर, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, पूछा जाए कि क्या किसी भोज्य पदार्थ का पाचन मुख में भी होता है, मुख में किसी भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, आप कहेंगे यस इज एब्सोल्युटली राइट, 30% ऑफ स्टार्च कैन डाइजेस्टेड इन अवर माउथ, इन अवर बकल कैविटी, हमारे माउथ में, हमारी बकल कैविटी में डाइजेशन होगा स्टार्च का। हाउ मेनी स्टार्च, 30% ऑफ स्टार्च कैन डाइजेस्टेड इन अवर बकल कैविटी, हमारे माउथ में 30% ये, ठीक है 30%। एक बार फिर से बता रहा हूं चंद आंसर जी, देखना समझना, हमारे माउथ में 30% जो स्टार्च है, स्टार्च एक प्रकार की शर्करा है, स्टार्च एक प्रकार की शर्करा है, और ये शर्करा जो है वो पच रही है माउथ में, क्योंकि अब ध्यान समझना, जैसे मान लो स्टार्च, स्टार्च बदल रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं बायोमोलिक्यूल्स में, ये एमाइलेज इस स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। यदि आपने मुझसे बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, याद आ रहा है कुछ, और ये जो है वो डाइसेकेराइड है, याद आया मेरे गजनियों, फटाफट बताओ याद आया, स्टार्च माल्टोज में टूटा, स्टार्च माल्टोज में टूटा, ठीक है, तो ये याद रखना जो है वो माल्टोज में टूट गया एमाइलेज की वजह से। ठीक है, वंशिका, कार्बन डाइऑक्साइड हर पेड़ रिलीज करता है बेटा, हर पेड़ रिलीज करता है, जो जो श्वसन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, मैं बताऊंगा उसके पीछे क्या रीजन है और कैसे, C2 प्लांट, कुछ पौधे ऐसा करते हैं, उन पौधों के पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, चावल आलू में स्टार्च होता है, बस टोटल बाकी सब पचेगा पेट में, मात्र 30% भाग पेट में पच गया। इसको बदलने के लिए एक विशेष प्रकार का पीएच चाहिए, 6.8 पीएच, नाम ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाएगा मुख का पीएच कितना होता है, मुख का पीएच होता है अम्लीय, 6.8 पीएच, आपके मुख का लार या मुख का पीएच कोई पूछेगा, आपका मुख अम्लीय होता है क्षारी होता है, क्या बताओगे, अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक, क्या होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, यह याद रखना यहां पर, आपको यह याद रखिएगा। ठीक है,
ये पॉइंट याद रखना है, एमाइलेज की मदद से रिएक्शन हुआ पर पीएच भी जरूरी है। लाइसोजाइम क्या करता है भाई, लाइसोजाइम जीवाणु के संक्रमण को रोकता है, जीवाणुओं को मार देता है। बहुत बढ़िया, सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस बोलो तो सवाल पूछू, यस बोलो तो सवाल पूछू। लार ग्रंथी छह है, लार ग्रंथी टोटल छह है, दो पैरोटिड, दो सबमैक्सिलरी, दो सबलिंगुअल, खत्म। फिर क्या है भाई, क्या क्या रिलीज करते हैं, लाइसोजाइम रिलीज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, एमाइलेज रिलीज करते हैं स्टार्च को पाचन करने के लिए, एमाइलेज रिलीज करते हैं स्टार्च का पाचन करने के 30% ऑफ स्टार्च। पीएच कितना है, पीएच कितना है, पीएच है हमारा 6.8, याद हो गया, जितने शब्द मैंने कहे दिमाग में बैठ गए, से यस अगर बन गई बात तो समझ आया ना, 110% लोगों को अगर समझ में आए तो बहुत, स्लाइटली एसिडिक, यस अबिद वशम, ठीक है वशन जी जो भी है वशीम सॉरी, 6.8 पीएच, स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा अम्लीय, एकदम इत्तू सा अम्लीय है। तीन पेयर, चले सवाल पूछा जाए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपके पहला क्रिस्टल क्लियर, यस 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 यस, मुझे चाहिए बस ऐसी बच्चे, मुझे चाहिए बस यही बच्चे, यही बच्चे हैं जो मेरा नाम रोशन करें, बाकी सब तो खत्म, यही सब है होशियार। चलो भाई जवाब बताओ, मुख में लार ग्रंथि कितनी संख्या में हो सकती है, पहला आंसर आपके स्क्रीन पर ई रहा कि तीन जोड़ी हो सकता है या दो जोड़ी हो सकता है या एक जोड़ी हो सकता है, सो नॉट छोड़ी इज अ जोड़ी, ठीक है जोड़ी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, विच वन इज राइट आंसर, सही जवाब बताया जाए आपके द्वारा, क्या सही ऑप्शन है, मुख में लार ग्रंथि कितनी संख्या में होता है, कितनी संख्या में, एक तीन जोड़ी, दो जोड़ी, एक जोड़ी, कोई नहीं, सवाल अभी पढ़ाया हूं तो हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन सवाल तो यही है नीट में आते हैं और नहीं बनता है तब परेशानियां होती हैं। सही जवाब चाहिए मुझे, अभी पढ़ाया है, तुरंत पढ़ाया, तुरंत देखो, गरम गरम खाने का मजा अलग है, तो ये गरम ही गरम, अब भी पढ़ाया, अब भी सवाल आपके स्क्रीन पर, आज के बाद लार ग्रंथि पे कोई सवाल परेशान आपको नहीं करेगा। ए है, बिल्कुल सही जवाब है, ए है, तो जवाब दे दो भाई हमारे पोल पे, सभी लोग फटाफट पोल कर दो, यहां पर कर दिए जवाब, दे दिए जवाब, क्या जवाब दिए या नहीं दिए, मुझे जवाब मिला कि नहीं मिला, तीन जोड़ी है कि नहीं तुम्हारे मुंह पे भाई, है तो जवाब बिल्कुल सही जवाब जाना चाहिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तीन जोड़ी इज राइट आंसर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ई रहा, जवाब बताए मुख गुहा का पीएच कितना होता है, कैसा होता है मुख गुहा का पीएच, बता दिए बहुत बढ़िया बात, तीन जोड़ी तीन जोड़ी तीन जोड़ी, अगला जवाब मुख गुहा का पीएच क्या होता है, अम्लीय क्षारीय उदासीन कोई नहीं, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप, क्या कहती है जनता जनार्दन, फटाफट बताया जाए कि क्या सही जवाब है, क्या सही जवाब है, मुख का पीएच, मुख का पीएच कितना होता है, अम्लीय क्षारीय उदासीन, या फिर कुछ लोगों ने आंसर भी दे 6.8, यस 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 6.8 6.8 इज राइट आंसर, अम्लीय होता है कहा है अगर लोगों ने, लेकिन 8% 8 वोट गया है, 101% वोट में 92% लोगों ने कहा है, अब मैं कह सकता हूं तुम तैयार हो नीट निकालने के लिए, मुबारक हो, बस तुम तैयार हो, ऐसे ही पढ़ते रहो हर चैप्टर, अभी थोड़ा सा स्लो स्लो जा रहा है, धीरे धीरे मैं एकदम फास्ट पढ़ाऊंगा और 11-12 दोनों मिलाकर नीट के लिए बज बना देंगे, बज बना देंगे, ये जो फोड़ोगे नीट में तुम लोग ना, मैं कह सकता हूं 8 सवाल बना लिए जीवन भर सवाल बनेगा, मैं कह सकता हूं 151 लोगों ने वोट दिया है, 87% बच्चों ने कहा है अगर ए तो एब्सोल्युटली राइट, बाकी मुझे लगता है कि वो कुछ भी जवाब दे देते हैं, ऐसी कुछ तुम निकालने को तैयार हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को मेरे 5 मिनट पढ़ाया हुआ याद है मतलब तुम तैयार हो, तुम नीट निकाल सकते हो, बस कर सकते हो, छोड़ना मत इस उम्मीद को, लगातार बस ज्वाइन करते रहो, पढ़ते रहो, नहीं कर पाते ज्वाइन बाद में वीडियो देखो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन वीडियो जरूर देखे, क्वेश्चन बना लेना, जवाब बन जाएंगे। आंसर है अम्लीय पीएच होता है, और पीएच होता कितना है 6.8 पीएच, होता कितना है 6.8 पीएच, मुख का पीएच 6.8 है, जान लो भाई, पीएच अगर इंबैलेंस हुआ तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कभी उल्टा सीधा खा लो तो मुंह जो होता है अजीब सा ट्वेस्ट नहीं आता है, 6.8 होना बहुत जरूरी है, एकदम याद रखना, ठीक है भाई। चलो अब बाकी ग्रंथियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस के बारे में बताऊंगा, पेट के बारे में और इससे संबंधित बाकी ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों की क्लास आज की समझ में आई हो, क्या कहते हैं जनता जनार्दन आज की क्लास के बारे में, कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों के, पूछा जाए क्लास पसंद आई यस और नो, क्लास पसंद आई हां या ना, जल्दी बताए कैसी लगी आज की क्लास।
कीपर गड्ढा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलो फटाफट बताओ, क्लास पसंद आई या सनो जल्दी बताया जाए, पसंद आई है बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में और बाकी ग्लैंड्स के बारे में जरूर बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखना, मिलते नेक्स्ट।